और अब इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना इस्तीफा वापस लेने की जानकारी मीडिया को दे दी है। लेकिन साथ ही साथ सिद्धू ये कह रहे हैं कि एजी और डीजीपी को लेकर जब फैसला हो जाएगा तो कामकाज संभालूंगा। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जरा गुरु नाल ना खड़ू परखदा हो ते परखदे परखदे ही देख लो उल्टा ते जिहड़े कहिंदे सी मेरा ऐ मेरा औ लब्भे आ धूड़ चटाती लब्भे आ कौन लब्भे दसो होर भी नहीं लभने। इस करके जिथे मैं खड़ा हाई मॉरल अथॉरिटी लई खड़ा, जिथे मैं खड़ा मेरे मां प्यो दे दिते किरदार करके खड़ा। जे किसी नहीं समझ आउंदी मैनू आउंदी है। ये कहना चाहना कि कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी और प्रियंका जी दे सिपाही ने अपना अस्तीफा वापस लिया। आई हैव टेकन बैक माय रेजिग्नेशन एंड आई कैटागोरिकली स्टेट कि जिस दिन नवे एडवोकेट जनरल बन गए और नवा पैनल आ जाएगा मैं जाके ऑफिस अपना चार्ज संभाला। इट वॉज नॉट एनी पर्सनल ईगो, यह हर पंजाबी दे साफे का सवाल सी, जागदी जमीर का सवाल सी, पंजाब दी अंतर आत्मा का सवाल सी और सच पुछो एक पार्टी दे वकार दा सवाल सी, वर्कर दे वकार दा सवाल सी। क्योंकि बगैर मॉरल अथॉरिटी बगैर नैतिकता दी ताकत इंसान स्टेज ते चढ़ के सच दी आवाज बुलंद नहीं कर सकता। कुल मिलाकर नवजोत सिंह सिद्धू को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि अध्यक्ष पद से जो इस्तीफा दिया था पंजाब कांग्रेस के वो उन्होंने वापस ले लिया है, लेकिन दफ्तर जाकर कामकाज तब संभालेंगे जब एजी और डीजीपी को लेकर जो उनकी मांग थी मतलब बदलने की उनको वो फैसला ले लिया जाएगा। और आगे अब रुख करते हैं दिन की बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ में थे, बाबा केदार की उन्होंने पूजा अर्चना की। पिछले 7 साल में जिस तरीके का कायाकल्प हुआ है केदारनाथ में इसका जायजा उन्होंने लिया। कई नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी इस मौके पर पीएम मोदी की तरफ से की गई। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया प्रधानमंत्री ने और साथ ही देश भर को लाइव दिखाया किस तरह केदारनाथ दोबारा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा। बाबा केदार के द्वार पर पहुंचे पीएम मोदी की इन बातों से आपको अंदाजा हो गया होगा कि भोले शंकर के वो कितने बड़े भक्त हैं। यहाँ आकर उन्होंने भोलेनाथ की पूरे विधि विधानों से पूजा की। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रधानमंत्री ने करीब 15 मिनट तक पूजा की। पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर की परिक्रमा भी की। प्रधानमंत्री जी केदारनाथ धाम में पधारे और सबसे पहले वो गर्भगृह में आकर उन्होंने जो है भगवान शंकर को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वो अपने उनके लिए जो आसन बिछाया गया था उसमें आसीन हुए। उसके बाद उनका जो है पूजन किया गया, ध्यान संकल्प स्वस्ति वाचन के द्वारा और रुद्राभिषेक उनका किया गया है रुद्र सूक्त के द्वारा, जो भगवान शंकर की जो प्रधान रुद्र सूक्त है उसके द्वारा उनका अभिषेक किया गया है। दूध दही शक्कर घी शहद इत्यादि पंचामृत स्नान उन्होंने किया, चंदन का लेपन करके और ब्रह्म कमल भगवान को उन्होंने चढ़ाए जो यहाँ पर हिमालय का पुष्प है। उसके बाद उन्होंने घृत लेपन किया माथा टेका और यही उनकी जो पूजा का क्रम रहा। आज केदारनाथ धाम की जो तस्वीर दिख रही है वो नहीं दिखती अगर यहाँ पर सरकार ने काम ना कराया होता। साल 2013 में केदारनाथ में जो तबाही आई थी, जो नुकसान उसने किया था, जितने लोगों की जान उसने ली थी, वो भला कैसे भूला जा सकता है। जो लोग यहाँ आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या।
लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। पिछले कुछ साल में यहाँ पर जबरदस्त निर्माण कार्य कराए गए। 2013 की तबाही में जो बर्बादी हुई थी उसके बाद केदारनाथ को एक बिल्कुल नए रूप में सवारा गया। आदि शंकराचार्य जी की ये मूर्ति है जो करीब 12 फीट के आसपास ये बनाई गई, एक सिंगल ब्लैक स्टोन में इस मूर्ति को गढ़ा गया है। कैसे रेनोवेट किया गया, कितने भव्य स्वरूप में इसको तैयार किया गया, और इसका जो आप देख सकते हैं ये सब सारे जो डेवलपमेंट हुए हैं वास्तु के अनुसार हुए हैं। तो ये बदलाव दिखा है 2013 के केदारनाथ और 2021 के केदारनाथ में, यही बदलाव देखने को मिल रहा है। केदारनाथ की पुरानी रौनक को नए अंदाज में निखारा गया। आज केदारनाथ धाम एक बार फिर भव्यता के साथ नजर आ रहा है। मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। सच बात तो यह है कि उन्होंने जितना विकास किया है, जिस तरह की विजन उनके पास है, उसे अब सुझाव की नहीं बल्कि सहयोग की आवश्यकता है कि सब मिलकर सहयोग करें, सारा समाज एक हो। उन्होंने आह्वान भी किया है कि जिस दिन इस संस्कृति को जीने वाला 138 करोड़ समाज एक हो जाएगा, वही सबसे बड़ा विकास है। पीएम मोदी ने यहाँ पर और भी कई योजनाओं का शिलान्यास किया। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों और 80 से ज्यादा मंदिरों में इसका लाइव प्रसारण किया गया। तबाही के बाद बदले हुए केदारनाथ को पूरे देश ने देखा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने आदि गुरु शंकराचार्य के हाल ही में बने समाधि स्थल पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। उनकी प्रतिमा ब्लैक स्टोन से बनाई गई है। इसका वजन 35 टन और ऊंचाई 12 फीट है। पीएम मोदी ने प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान भी लगाया। आप सभी आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। हमारे यहां कहा जाता है आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजनम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। पिछले 7 साल में केदारनाथ का कायाकल्प तो हो चुका है, आने वाले वक्त में और भी बहुत कुछ बदलने वाला है। लेकिन पीएम मोदी ने यहाँ एक और बेहद अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि काशी और अयोध्या का भी कायाकल्प हो रहा है। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब चूंकि देश में एक बार फिर चुनावी माहौल है, कुछ महीनों बाद यूपी सहित कई राज्यों में चुनाव होने हैं, तो जाहिर है पीएम मोदी के दौरे पर भी सियासत होगी। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि अपनी पार्टी की मार्केटिंग के लिए पीएम मोदी केदारनाथ आए हैं। प्रधानमंत्री जी तो वहाँ राजनीतिक भाषण के लिए आए हैं, उनको अपनी पार्टी की मार्केटिंग के लिए आए हैं, और हम अपने शिवालयों में ही जो है ज्योतिर्लिंग देखते हैं। केदार बाबा का नाम लेकर के अपने दर्शन ज्यादा लोगों को। सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन केदारनाथ हो, वाराणसी हो या फिर अयोध्या, कायाकल्प तो होता हुआ दिख रहा है। अब इसका कितना असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। केदारनाथ धाम से
संवाददाता नीरज पांडे की रिपोर्ट। आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। केंद्र सरकार में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के सचिव सुधांशु पांडे ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चल रही मुफ्त राशन की योजना फिलहाल 30 नवंबर से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुफ्त राशन की योजना होली तक बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। आपको लेकर चलते हैं, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, गौरव भाटिया संबोधित कर रहे हैं। आम जनता आपसे कर रही है कि कांग्रेस शासित राज्यों में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी और अरविंद केजरीवाल जी भाजपा से सीख लेते हुए वैट में कटौती करेंगे और उदाहरण बनाएंगे कि जहां आम जनता की बात आएगी उनमें भी अभी संवेदनशीलता मरी नहीं है। और अगर ऐसा आपने नहीं किया तो यही कहा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी पर्याय बन गई है जेब कतरों का। मैं एक उदाहरण आपके समक्ष रख दूं। आज राजस्थान में पेट्रोल पर 32 रुपए 19 पैसे वैट लग रहा है, 32 रुपए 19 पैसे। अशोक गहलोत जी, श्री गंगानगर में पेट्रोल की कीमत 121 रुपए और डीजल की कीमत 112 रुपए है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है अशोक गहलोत जी? सोनिया गांधी जी, कृपया करके हस्तक्षेप करिए और इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखाया है किस तरह से किसान, भारतीय नागरिक, मजदूर, गरीब सबकी सेवा भी करेंगे और जहां अवसर मिलेगा आम जनता को राहत भी देंगे। अगर कर आएगा हमारे खाते में, कोष में, तो उसका एक एक रुपया देश के निर्माण के लिए समर्पित होगा, आम जनता के लिए समर्पित होगा। लेकिन राजस्थान में ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। मैं महाराष्ट्र का भी जिक्र करना चाहूंगा। हम सब जानते हैं वहां एक महावसूली अघाड़ी है। ये कैसी वसूली है उद्धव ठाकरे जी? पेट्रोल का दाम 110 रुपए, डीजल का दाम करीब 87 रुपए और ये वैट लग रहा है पेट्रोल पर महाराष्ट्र में 31 रुपए 19 पैसे। अब इसकी तुलना आप करिए भाजपा शासित राज्यों से, और मैं उदाहरण के तौर पे दो राज्य आपके समक्ष आंकड़े रख रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 21 रुपए 86 पैसे, ये 3 नवंबर 2021 का आंकड़ा है, और उत्तराखंड में 20 रुपए 46 पैसे। कहां 20 रुपए 46 पैसे और कहां राजस्थान में 32 रुपए 19 पैसे और महाराष्ट्र में 31 रुपए 19 पैसे। यह अपने आप में दर्शाता है कि यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं। उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी केंद्र सरकार ने एक पहल करी, आम जनता ने उसका स्वागत किया, लेकिन विपक्ष की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये केवल और केवल ओछी हल्की घटिया राजनीति करती रहीं, विरोध करती रहीं, अपनी निद्रा से जागी नहीं, आम जनता की इन्होंने सुध नहीं ली।
मैं ये भी आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि कोविड का ये जो संकट भारत पर आया था, इससे बड़ी वीरता से हर नागरिक ने लड़ाई लड़ी। और तो बीजेपी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे, कांग्रेस और बाकी जो विपक्षी दलों शासित राज्य हैं, पार्टियां हैं, उन पर निशाना साधते हुए कि महाराष्ट्र, बंगाल और कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, वो सरकारें अपने यहां पेट्रोल डीजल पर वैट क्यों नहीं घटा रही। ये घटिया राजनीति है जो कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों द्वारा राज्य सरकारें अंजाम दे रही हैं, ये आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रवक्ता को आप सुन रहे थे। और आज शाम 6 बजे इसी मुद्दे पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री में, मैं आपके लिए लेकर आऊंगी बड़ी बहस। शाम 6 बजे एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जरूर रहिएगा। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं बात अगली खबर की। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली के अगले दिन दिल्ली की हालत बेहद खराब हो गई। प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। आसमान में धुंध अभी भी छाई हुई है। सुबह तो हालात इतने ज्यादा खराब थे कि सड़कों पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दिवाली पर जमकर आतिशबाजी करती हुई ये दिल्ली है। दिवाली के अगले दिन प्रदूषण की चादर में लिपटी ये दिल्ली है। पटाखों के धुएं और जहरीली हवा में सांस लेते ये दिल्ली के लोग हैं। और प्रदूषण कम करने की नाकाम कोशिश करती ये दिल्ली सरकार की टीम है। साल नया है पर दिल्ली का ये रोग पुराना है। हर बार सरकार बड़ी कोशिशें करती हैं कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने से लोगों को रोका जाए, एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। देखिए, दिवाली की अगली सुबह है और एक बार फिर से राजधानी दिल्ली गैस चेंबर के रूप में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं आनंद विहार की। ये टॉप एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह हो जाने के बावजूद, यानी रोशनी निकल आने के बावजूद, यहाँ पर आपको धुंध की मोटी चादर से ढका हुआ आनंद विहार दिखाई देगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स बताने वाला ये मीटर है, हवा की गुणवत्ता बताने वाला ये बताता है कि आनंद विहार पर 709 का आंकड़ा पहुंच गया है। सरकार ने पटाखों पर पाबंदी भी लगाई, डॉक्टर्स ने लोगों से सेहत को होने वाले नुकसान की चेतावनी भी दी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। नतीजा, दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 901, पटपड़गंज में 594, वजीरपुर में 592, द्वारका में 560 और प्रगति मैदान में 500 था। दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर की स्थिति में पहुंच गई है। चारों तरफ धुंध जो है वो छाई हुई है, यानी कि जो स्मॉग है वो चारों तरफ छाई हुई है। और इस वक्त जिस जगह की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जगह है इंडिया गेट, और यहाँ पर इंडिया गेट कहीं नजर नहीं आ रहा है, धुंध इतनी ज्यादा है। अक्षरधाम इलाके में भी हालात ऐसे ही थे, धुंध की चादर छाई हुई थी, सड़क पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हालात ऐसे थे कि लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट ऑन करके चलना पड़ रहा था। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास, और यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह सवेरे का वक्त है, लेकिन धुंध इतनी ज्यादा है और अंधेरा इतना ज्यादा छाया हुआ है धुंध की वजह से कि आप देखिए गाड़ियों को जो हेडलाइट है वो चला के ही गुजरना पड़ रहा है। अगर बात करें तो आप विजिबिलिटी देख सकते हैं कितनी ज्यादा कम हो गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 477 जबकि फरीदाबाद में 460 था। वहीं यूपी के नोएडा में 463 और गाजियाबाद में 450 था। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पटाखों पर पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर बिखरे पड़े पटाखों के अवशेष बता रहे हैं कि पाबंदी का कुछ खास असर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तमाम पाबंदियों के बावजूद राजधानी दिल्ली में इस वर्ष दिवाली पर पटाखे छोड़े गए हैं। हम इस समय करोल बाग के नाईवाला इलाके में मौजूद हैं और आप यहां सड़क पर देख सकते हैं कि पटाखे बिखरे हुए हैं। रात में जो है पटाखे छोड़े गए हैं, चलाए गए हैं। यही हाल पटपड़गंज इलाके का भी था। सुबह जब एबीपी न्यूज की टीम इस इलाके में पहुंची तो हर तरफ जले हुए पटाखों का मलबा दिख रहा था।
दिल्ली में आतिशबाजी खुलकर हुई है। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं ये देखकर कि आतिशबाजी किस कदर दिल्ली में हुई है। ये सिर्फ एक गली की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें हमें दिल्ली में जहां जहां जा रहे हैं गली गली में दिखाई दे रही हैं, जहां पर पटाखों के यहाँ पर जो बचे हुआ अवशेष है, जो कूड़ा है, वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। अगर पिछले साल दिवाली से इस बार के दिवाली में हुए प्रदूषण की तुलना करें तो साफ दिखता है कि पाबंदियों का प्रदूषण कम करने की अपील का कोई असर नहीं हुआ। पिछले साल दिल्ली में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 था, जबकि इस साल ये 458 है। पिछले साल नोएडा में औसत AQI 441 था, जबकि इस साल 460 है। पिछले साल गाजियाबाद में औसत AQI 448 था, जबकि इस साल 445 है। पिछले साल गुरुग्राम में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 था, जबकि इस साल 475 है। वहीं पिछले साल फरीदाबाद में औसत AQI 414 था, जबकि इस साल 457 है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने की कोशिशों में दिल्ली सरकार एक अभियान चला रही है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। सिविल डिफेंस के करीब 2500 कर्मचारी चौराहों पर खड़े हैं, जिसमें रेड लाइट होने पर गाड़ियों को बंद करने को कहा जाता है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए एक अभियान शुरू करा है, जिस अभियान का नाम है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। यह अभियान ऐसा है कि दिल्ली के 100 चौराहों पर यह अभियान शुरू किया गया है, जिसमें दिल्ली सरकार के जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो इसी तरह से जब रेड लाइट जो है ऑन होती है, गाड़ियां जो हैं वो रुक जाती हैं, उसी वक्त ये सिविल डिफेंस के जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर तैनात होते हैं वो रेड लाइट ऑन होते ही गाड़ियों को संकेत देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी गाड़ी जो है वो ऑफ कर लें। कोशिशें हो रही हैं, लेकिन प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। वैसे एक दिन की रोक या फिर एक वजह पर रोक से ये कम नहीं होगा, जरूरत साल के बाकी 364 दिनों में ठोस और कारगर कार्रवाई की है। तो शाम के 4:42 का वक्त हो रहा है और ऐसे में इस वक्त दिल्ली की हालत क्या है, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, प्रफुल्ल श्रीवास्तव लोधी रोड इलाके से हमारे साथ हैं, अजातिका सिंह दिल्ली सचिवालय से इस वक्त हैं। सबसे पहले प्रफुल्ल के पास चलते हैं और जानते हैं प्रफुल्ल से कि सुबह के मुकाबले इस वक्त लोधी रोड इलाके में प्रफुल्ल AQI का स्तर जो है वो कुछ बेहतर हुआ। देखिए, AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर अगर कहें तो कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा है, सुबह से शाम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इस समय जो AQI है लोधी रोड का वो 529 है, यानी 529 इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि सीवियरिटी है, यानी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये आपको तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरे पीछे की तस्वीर आप देखें तो कुछ दूर के आगे, मतलब 150-200 मीटर के आगे विजिबिलिटी एकदम धुंधला जाती है, कुछ साफ नज़र नहीं आता, जबकि कुछ दिनों पहले तक ये विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी थी। और अब जब कल दिवाली बीती है उसके बाद से जिस तरह से हालात हुए हैं बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी पर असर पड़ा है, और इसकी वजह से एक धुंध की चादर सी नज़र आती है। पासी में लोधी गार्डन है जहाँ पर लोग सुबह शाम वॉक करने आते हैं, वहाँ पर भी इसी तरह के हालात हैं, धुंध की चादर सी नज़र आ रही है। और जो ये ऐप है इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें आज जो है 529 है, और कल भी कोई खास सुधार होता दिख नहीं रहा, कल का भी अनुमान अभी से ही जो लगाया जा रहा है वो 352 के आसपास रहने की उम्मीद है, यानी आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है कल भी ऐसा ही रहने की उम्मीद है, यानी 350 से ज़्यादा, यानी वेरी पुअर की कैटेगरी में। और अभी जब कल सुबह होगी तब ये थोड़ा और बढ़ने की संभावना रहती है, अभी अनुमान डराने वाली है। ये जानकारी जो आप दे रहे हैं वो भी इस लोधी रोड इलाके में, जो कंपैरेटिवली काफी हरा भरा इलाका माना जाता है दिल्ली में, यहीं पर लोधी गार्डन्स भी, जिसका जिक्र अभी प्रफुल्ल भी कर रहे थे। अच्छा, जल्दी से अजातिका के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं, अजातिका दिल्ली सचिवालय वाले इलाके के आसपास क्या है AQI इंडेक्स? जी बिल्कुल, आपको बताएं सबसे पहले हवा की गुणवत्ता बताने वाला ये जो मीटर है AQI इंडेक्स मीटर, तो देखिए ये 300 से ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी करीबन 400 के पास है, 399 यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, यानी कि 400 के पास जब ये इंडेक्स पहुंच जाता है तो ये खतरनाक की श्रेणी में शुमार हो जाता है। साफ हवा की गुणवत्ता, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दें कि वो 0 से 50 के बीच में होती है, और ज़रा एक बार तुलना कीजिए कि कितना ज़्यादा इस वक्त प्रदूषण का स्तर हो चुका है, बेहद गंभीर की श्रेणी में आ गया है। दिल्ली में लगातार इस लिहाज से कोशिश की जा रही है कि प्रदूषण को किसी तरीके से नियंत्रित किया जाए। आप मेरे पीछे देखेंगे आपको ये एंटी स्मॉग गन का ट्रक दिखाई देगा, ऐसे 3 ट्रक्स
की आज ओपनिंग की गई है और इन ट्रक्स को फिलहाल यहाँ पर अब दिल्ली सचिवालय इलाके में देख रहे हैं जहाँ पर लगातार छिड़काव किया जा रहा है। ये पीछे की तरफ ट्रक में एंटी स्मॉग गन लगी हुई है और इस ट्रक के आगे की तरफ भी नॉस्ट्रिल्स लगे हुए हैं, यानी कि दोनों ही तरफ से ये टेक्नोलॉजिकली थोड़ी एडवांस मशीन है जो इस बार लाई गई है, जिसकी ओपनिंग हाल ही में की जाएगी। और अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो ट्रक्स हैं इनका कुछ असर हमें और भी ज्यादा दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया जातिका, आपका भी, प्रफुल्ल श्रीवास्तव, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर फिलहाल दिल्ली की हवा बेहद जहरीली है, सावधान रहिए अगर आप दिल्ली वासी हैं या फिर NCR इलाके में रहते हैं तो। पर अब नीतीश ने एक बड़ा बयान दिया है, कह रहे हैं शराबबंदी योजना की समीक्षा की जाएगी। को पूरे अधिकारियों से तो हमारी बातचीत होती जाती है, लेकिन अभी जो ये हो जाएगा ये पर्व है, इसके बाद हम फिर एक दिन विस्तृत इसकी समीक्षा करने वाले हैं। हालांकि प्रतिदिन चारों तरफ लोग पकड़े जाते हैं, रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह का काम किसी इलाके में कोई कर रहा है ये तो बड़ी दुखद बात है। इसके बारे में तो पूरा प्रचार, तो एक और ज्यादा कैंपेन फिर से इसको प्रारंभ करना बहुत जरूरी है। लोगों को एक एक जगह बताना कि बहुत गंदी चीज है, शराबबंदी लागू है, अगर इस तरह से कुछ करिएगा तो आपको अब किस तरह से शराब लोग बना करके और कैसा गंदे तरीके से काम कर रहा है। ABP News आपको रखे आगे।